नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टाल पर, जहां पर हम जानने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सभी बड़ी खबरें। किसान नेता राकेश टिकैत के ऊपर फेंकी गई स्याही, प्रेस वार्ता के दौरान धक्का मुक्की भी हुई। वहीं सिद्धू मूसेवाला केस में तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ, पंजाब पुलिस ने देहरादून में दी दबिश। यूपीएससी सिविल सेवा 2021 का परिणाम जारी, टॉप 3 पर लड़कियों का कब्जा। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामला सुनने योग्य है या नहीं, अदालत में हो रही बहस, याचिकाओं का दौर जारी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए मुंबई सीरियल बम धमाकों के आरोपी, गुजरात एटीएस ने किया था गिरफ्तार। बीजेपी ने डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को दिया निष्ठा का इनाम, अखिलेश यादव भी दे चुके हैं सभा में आने का न्योता। असम में थाना फूंकने का मास्टरमाइंड मारा गया, हिरासत में भागते वक्त पुलिस से वाहन की चपेट में आया। फारूक अब्दुल्ला ने बताया नफरत से निपटने का रास्ता, कहा मुसलमान इकट्ठा होकर करे स्थिति का सामना। वहीं मणिपुर के खोंगजाम में आईईडी धमाका, एक बंगाली श्रमिक की मौत, 4 घायल। राज्यसभा इलेक्शन में इमरान प्रतापगढ़ी का नाम सामने आते ही कांग्रेस में बगावती सुर शुरू। तमिलनाडु के यूट्यूबर कार्तिक गोपीनाथ पर 50 लाख का वसूली का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को हर महीने मिलेंगे 4000 रुपए, 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज भी। देश में कोरोना की वजह से 24 घंटों में मिले 2706 नए संक्रमित, सक्रिय के 17000 के पार, 25 की मौत। भारत ने रूस से उर्वरक आयात का किया करार, आगामी खरीफ सीजन में मिलेगी राहत। वहीं 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पर काम शुरू, इस साल मिल सकती है सेवा। केरल के त्रिशूर में वेस्ट नाइल बुखार से एक शख्स की मौत, राज्य की स्वास्थ्य मंत्री ने जिलों को सतर्क रहने के लिए कहा। महाराष्ट्र में संजय राउत का बयान, बोले शिवसेना ने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया, भाजपा ने नहीं किया वादे का सम्मान। श्रम पोर्टल के तहत 94% कामगारों की मासिक आमदनी 10000 से थी कम, 74% कर्मचारी एससी एसटी और ओबीसी से। इप्सोस की विश्वसनीयता निगरानी रिपोर्ट जारी, भारतीयों का अपनी सरकार पर भरोसा ज्यादा, विकसित देशों को छोड़ा पीछे। अमेरिकी दूतावास 1 सितंबर से फिर से पर्यटक वीजा के लिए शुरू करेगा इंटरव्यू। वहीं लॉन्स नायक बप्पादित्य को कोलकाता में दी गई श्रद्धांजलि, गांव में होगा अंतिम संस्कार। जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन के लिए नवंबर में भारत आएगा अमेरिकी हिंदी छात्रों का दल। राहुल गांधी का बयान, नोटबंदी की एकमात्र दुर्भाग्यपूर्ण सफलता भारत की अर्थव्यवस्था का डूबना है। हरियाणा का सेमीफाइनल होगा निगम का चुनाव, खट्टर की बेरोजगारी से परेशान तो कांग्रेस की राह में रोड़े खड़े करेंगे केजरीवाल। गुजरात डीजीपी को 8 माह का सेवा विस्तार, इस महीने के अंत में होने वाले थे सेवानिवृत्त। 10 हाईकोर्ट में नियुक्ति के लिए की गई 100 नामों की सिफारिश, विभिन्न हाईकोर्ट में अभी भी 391 पद रिक्त। वंदे भारत ट्रेन पर वेस्टों का बयान, सितंबर से हर महीने 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी मिलेगी। असम में मंत्री संजय किशन ने मांगी थी प्रतिबंधित उल्फा से माफी, मुख्यमंत्री शर्मा ने जारी किया कारण बताओ नोटिस।
केरल के पीसी जॉर्ज का विजयन पर निशाना, बोले आपकी उल्टी गिनती शुरू। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने परिवर्तन चौक पर किया प्रदर्शन, पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले की सुनवाई अब 4 जुलाई को, आज अंजुमन की दलीलें नहीं हुई पूरी। राज्यसभा इलेक्शन में जयंत चौधरी का बयान, विधानसभा के नीचे भी खोदेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तिहाड़ जेल से पुलिस को मिला एक और फोन, लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ रहे हैं कई कड़ियां। मूसेवाला की हत्या पर दिल्ली में भी सियासत गर्म, कांग्रेसियों ने किया केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन। वीजा स्कैम के तहत कार्ति चिदंबरम, रमन और मखरिया की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर 3 जून के लिए आदेश सुरक्षित। पंजाबी गाय की हत्या के मामले में पंजाब पुलिस की देहरादून में दबी से, हत्यारों का एक मददगार हिरासत में। भाजपा ने उत्तराखंड में चला महिला और ओबीसी कार्ड, त्रिवेंद्र खेमे को लगा झटका। हिमाचल पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में संदीप टेलर फरार, पुलिस की 2 टीमों ने राजस्थान में डाला डेरा। हिमाचल प्रदेश में पुजारी, ग्रंथी, मौलवी और पादरी को भी मिलेगा 12,191 रुपए मासिक मानदेय। सिद्धू मूसेवाला केस में जम्मू में युवा कांग्रेस ने सीएम मान का पुतला फूंका, आप कार्यालय का किया घेराव। अमरनाथ यात्रा 2022 के तहत यात्रा मार्ग पर मरम्मत और बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी। पुलवामा में 2 आतंकी ढेर, पुलिसकर्मी रियाज के हत्यारों का सफाया। सिद्धू मूसेवाला ने 2 दिन पहले मीडिया से की थी बात, कहा मैं सच लिखता हूं, किसी को चुभे तो मैं क्या करूं। मूसेवाला की मौत के बाद पाकिस्तान में भी मातम, सिंगर ने किया था इसी साल लाहौर आने का वादा। हरियाणा में सभी राजनीतिक दलों ने ताकत झोंकी, विधानसभा चुनावों से पहले अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे। हरियाणा वेदर फोरकास्ट, जून के आगाज के साथ पड़ेगी भीषण गर्मी, पारा 47 तक पहुंचने के आसार। हत्या के बाद रतिया के युवक से कार छीनकर भागे थे आरोपी, बहन से मिलने जवाहर के गांव गया था जगतार। राजस्थान के अजमेर में 4 दुकानों में लगी भीषण आग, 2 करोड़ का सामान जलकर खाक। टिकट कटने पर आरसीपी सिंह ने तोड़ी चुप्पी, उधर पप्पू यादव की पत्नी को कांग्रेस ने बनाया प्रत्याशी। वहीं नई सोच के साथ प्रशांत किशोर ने शुरू की जन सुराज यात्रा, कहा कुछ परिवारों में सत्ता का केंद्रीकरण राजनीति के लिए अभिशाप। छत्तीसगढ़ के रायपुर में चोरों का आतंक, आईएएस आईपीएस और जज के घर को भी नहीं छोड़ा, पड़ोस का भिखारी निकला शातिर। छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 की मौत और 9 झुलसे, 4 लाख मुआवजे का ऐलान। झारखंड में तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को WHO पुरस्कार, नई दिल्ली में होगा समारोह। ईडी की जांच पर सीएम हेमंत सोरेन का बयान, कहा मनगढ़ंत केस का हुआ शिकार। राज्यसभा इलेक्शन में सीएम सोरेन का बयान, कांग्रेस के साथ कोई खींचतानी नहीं, राज्यसभा चुनाव में उतारेंगे साझा उम्मीदवार। मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा का बयान, राहुल और कमलनाथ इच्छाधारी चुनावी हिंदू, चुनाव के समय हिंदू याद आता है। सीएम शिवराज ने कार्यकर्ताओं को दिया चुनावी मंत्र, इंदौर को लेकर बोले 10 साल में बेंगलुरु हैदराबाद को पीछे छोड़ देगा। वहीं सीएम ने बढ़ाई निकाय चुनाव में दावेदारों की चिंता, बोले किस वार्ड से कितने लोग आते हैं, लिटमस टेस्ट हो जाए। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।